डियर स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुकेशन हब बानसू की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के बारे में, संघ सरकार के बारे में, भारत सरकार के बारे में। उसमें हमने पढ़ा पिछले वीडियो के अंदर कि राज्यसभा की संरचना, उसमें हमने दो पॉइंट पढ़ लिए थे कि राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है, पहला बिंदु वो हमने पढ़ा था कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है और वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है। उसको पहले वाले वीडियो में समझा भी दिया गया था कि 233 प्लस 12, 233 राज्यों से निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्यों को भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है, जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और खेल के क्षेत्र में विशेष अनुभव रखते हो। तो वो हो गई सदस्य संख्या। और इससे पहले वाले वीडियो में लोकसभा के अंदर आपको पता ही है अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा के अंदर 552, वर्तमान में 545, ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। दूसरा बिंदु हमने पढ़ा राज्यसभा के अंदर कि निर्वाचन पद्धति। तो निर्वाचन पद्धति में हमने नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर पढ़ लिया था, पिछले वाले वीडियो के अंदर, कि इनका चुनाव यानी राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि यानी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इनको चुनते हैं। आज हम पढ़ेंगे सदस्यों की योग्यताएं। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। देखिए विद्यार्थियों, संसद के दो सदन हैं, पहला सदन हम पढ़ चुके हैं लोकसभा, दूसरा सदन हम पढ़ रहे हैं राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा जब हमने पढ़ा तो लोकसभा का जो सदस्य होता है उसकी जो योग्यता होती है वो योग्यता, और राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसकी योग्यता, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यताएं क्या क्या हैं। तो उन दोनों की योग्यताएं समान है, थोड़ा सा डिफरेंट है, वो सिर्फ आयु का है। आयु का मतलब उम्र का, वो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो लोकसभा का सदस्य होता है उसकी न्यूनतम आयु 25 ईयर यानी 25 वर्ष, और जो राज्यसभा का सदस्य होता है उसकी न्यूनतम आयु चाहिए 30 ईयर यानी कि 30 वर्ष, और बाकी सेम है। यानी हम पढ़ रहे हैं राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं। पहली जो योग्यता है वह है भारत का नागरिक होना चाहिए। वह का मतलब राज्यसभा का सदस्य, राज्यसभा के लिए जो चुनाव लड़ रहा है, चुनाव लड़ने वाले को हम उम्मीदवार कहते हैं। यानी कि राज्यसभा का जो उम्मीदवार है वह कहां का होना चाहिए, भारत का नागरिक। तो लोकसभा में भी यही था कि लोकसभा का उम्मीदवार वही बन सकता है जो भारत का नागरिक हो। राज्यसभा में भी यही है कि राज्यसभा का सदस्य वही व्यक्ति बन सकता है जो भारत का नागरिक हो। अर्थात भारत देश के संविधान में केवल भारत के नागरिकों को ही चुनाव लड़ने की छूट दी गई है या अधिकार दिया गया है। यानी कि बाहरी व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति का मतलब कोई दूसरे देश का व्यक्ति भारत में आकर के चुनाव नहीं लड़ सकता। कब लड़ेगा, जब उसके पास भारत की नागरिकता हो। तो नागरिकता जो विषय है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। यानी कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को नागरिकता भारत की सरकार देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और उसके लिए अलग अलग नियम है। जैसे मैं एक नियम बता दूं आपको, जो बाहरी व्यक्ति होता है, दूसरे देश का व्यक्ति होता है, अगर लगातार वो 5 साल से भारत में रह रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको, केंद्र सरकार उसको भारत की नागरिकता प्रदान कर देगी और व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। परंतु यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए व्यक्ति में क्या योग्यता होनी चाहिए। पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी जो योग्यता है उसकी न्यूनतम आयु, उसकी न्यूनतम आयु का अर्थ होता है राज्यसभा का सदस्य, यानी राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम का अर्थ होता है कम से कम। आयु का अर्थ होता है उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने डिफरेंट देख लिया। लोकसभा जब हमने पढ़ी थी तो यहाँ पर 25 वर्ष थे
और अब हम पढ़ रहे हैं राज्यसभा, तो यहाँ पर आयु चाहिए 30 वर्ष, यानी कि दोनों में केवल एक ही डिफरेंट है, एक ही अंतर है, वो हमने समझ लिया। तीसरी जो योग्यता है राज्यसभा सदस्य बनने के लिए वो है, वह का मतलब राज्यसभा का उम्मीदवार या राज्यसभा का सदस्य, वह किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हो, कार्यरत नहीं होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा लोकसभा के उम्मीदवार की योग्यताएं, उसमें भी हमने ये पढ़ा कि वह किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। फिर एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लाभ का पद क्या होता है, यानी कि चुनाव लड़ने से पूर्व चाहे वो किसी भी नौकरी में हो, किसी का मतलब सरकारी में कोई सी भी पोस्ट पर हो, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे वो रेलवे में हो, यानी कि सरकारी नौकरी में हो, अगर वो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो चुनाव लड़ने से पूर्व उस व्यक्ति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है, त्याग पत्र देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर वो लाभ के पद पर है, सरकारी नौकरी में कार्यरत है, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता, वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं बन सकता। तो लाभ का पद आप समझ गए होंगे, सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए, तो वो लाभ का पद कहलाता है सरकारी सेवा। चौथी इसकी जो योग्यता है वह का मतलब राज्यसभा का उम्मीदवार, राज्यसभा का सदस्य, वह किसी न्यायालय का हो गया सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, दो कोर्ट है अपने भारत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट और होते हैं दूसरे प्रकार के जो कोर्ट है वो है हाई कोर्ट। तो प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रीम कोर्ट संपूर्ण भारत में एक ही है, सर्वोच्च न्यायालय एक ही है भारत में, जो नई दिल्ली में स्थित है, जो सर्वे सर्वा है। सर्वे सर्वा का मतलब हो गया कि भारत का सबसे बड़ा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय होता है, जो दिल्ली में है उनकी संख्या एक ही है, संपूर्ण भारत के अंदर सर्वोच्च न्यायालय एक ही है। और जो उच्च न्यायालय है प्रत्येक राज्य में अपना उच्च न्यायालय होता है, परंतु दो या दो से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है, ऐसा हमारे संविधान में कानून है। तो हमारे संपूर्ण देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर जो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, इनमें कुल वर्तमान के अंदर 24 उच्च न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय 24 उच्च न्यायालय। अब विद्यार्थियों, आपने सोच रहे होंगे आपने सोचा होगा कि सर ने बताया था कि भाई प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है, परंतु विद्यार्थियों ध्यान रखना, मैंने अभी आपको बताया है कि प्रत्येक राज्य का या फिर दो या दो से अधिक राज्यों का मिलकर के एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है। इस वजह से भारत के अंदर वर्तमान के अंदर, प्रेजेंट टाइम के अंदर 24 हाई कोर्ट हैं, 24 उच्च न्यायालय हैं। जैसे मैं उदाहरण दूं आपको, हमारा जो ये राजस्थान है, राजस्थान का स्वयं का अपना एक उच्च न्यायालय है जो जोधपुर में है। कहाँ है? जोधपुर जो कि एक जिला है राजस्थान का, जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर आता है, और इसकी एक खंडपीठ हमारे प्रदेश की, हमारे राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। तो हाई कोर्ट तो एक ही हुआ राजस्थान का। अब राजस्थान का जो हाई कोर्ट है वो केवल और केवल राजस्थान का ही हाई कोर्ट है, किसी दूसरे राज्य का नहीं। दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूँ, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय दो राज्यों का उच्च न्यायालय है, पंजाब और हरियाणा
हरियाणा। दो राज्य हो गए, उच्च न्यायालय कितने हुए? एक। और वैसे अगर देखें हम तो चंडीगढ़ स्वयं भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, संघ शासित क्षेत्र है। ऐसे दो राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, दो राज्य हो गए पंजाब और हरियाणा, एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया चंडीगढ़। इन तीन का मिला करके केवल एक ही उच्च न्यायालय है, जो है चंडीगढ़ उच्च न्यायालय। तो मतलब दो राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय हुआ। तो वर्तमान के अंदर 24 उच्च न्यायालय हैं। अक्सर कई बार कंपटीशन क्लास में पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर कि भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। ऑप्शन 21, दूसरे में 22, तीसरे में 23 और चौथे में 24। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें ध्यान रखना है कि भारत के अंदर उच्च न्यायालयों की संख्या वर्तमान में 24 है। आगे देखिए विद्यार्थियों, वह किसी न्यायालय द्वारा, अब आप समझ गए होंगे किसी उच्च न्यायालय द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा, किसी भी न्यायालय द्वारा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, वह किसी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित ने किया गया हो। देखो विद्यार्थियों, हम यहां पर पढ़ रहे हैं राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं। तो हमने लोकसभा की भी पढ़ी थी योग्यताएं, अब पढ़ रहे हैं राज्यसभा की। दोनों की समान है, लेकिन एक अंतर हमें यहां नजर आ रहा है, और नजर ये आ रहा है, ये अंतर ये है कि लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है और राज्यसभा के लिए यहां पर 30 वर्ष। बाकी वो क्यों? अब आपको समझ में आ गया होगा, चाहे अब एग्जाम के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन आए, चाहे लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं आए या फिर राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं, हमने डिफरेंट देख लिया है, योग्यताएं हमें अच्छी तरह से याद हो चुकी हैं। देखिए विद्यार्थियों, आपको क्या करना है, अगर लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं पूछे पेपर के अंदर, क्वेश्चन बुक के अंदर, तो आपको लिखनी है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष, वह किसी लाभ के पद पर न हो, वह किसी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो। इतना आप लिख देंगे तो आपका आंसर करेक्ट है, सही है, दुनिया की कोई भी शक्ति उसको गलत नहीं निकाल सकती। और दूसरा क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता, उसमें आपको लिखना है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, वह किसी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो। ये अलग अलग योग्यताएं हैं जो आपको शायद याद हो चुकी होंगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी कल।